Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. मु मोर परमाराध्य तम गुरुदेव ओं विष्टपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरस्त श्री श्रीमद गौर गोविंद गोस्वामी महाराज एवं ओं विष्टपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरस्त श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जींकर पाद पद्मरे अनंत कोटि प्रणति ज्ञापन करी तांकर अहितुक कृपा भिक्षा करुचे। आज हम श्रवण करिबा किपरि महाराज भरत हरिण जन्म प्राप्त हेले एवं तांकर परवर्ती जन्म कौन हेला। महाराज भरत युवक वयसरे तांकर समस्त राज्य वैभव परिपाटी संसार आसक्ति संतान संतति सब किछ को मलबत त्याग कले जिमिति मल त्याग कले व्यक्ति पछुक नहीं देखे ना से प्रकार एभली कठोर वैराग्य आचरण करी सब प्रकार त्याग करी बण को चली गले। बण रे तपस्यारत हेले आमर वैदिक परंपरा हिसाब रे 50 वर्षर ऊर्ध वयस हो गले जने तपस्या आचरण करे दरकार भगवान कर भजन लिप्त हो दरकार संसार लिप्त न होई भगवान कर भजन करी भगवान कर भक्ति करी ता जीवन को सार्थक करे दरकार। कारण मृत्यु समय रे महाराज भरत कथा जानी थिले जे मृत्यु समय रे जदि भगवान कर स्मरण न हला ए धन संपत्ति राज्य वैभव ये सब आम काम आसब ना ये सब परजन्म काम आसब ना ये धन जौवन पुत्र परिजन इथे कि आछे परती ये सब धन जौवन पुत्र परिजन राज्य वैभव ये सब परजन्म काम आसब ना सब आम एठ छाड़ी जीवा से भक्तिर ये महत्व
जो माने भगवानकर भक्त एकतक भलवार जानती दे ये जन्म आम को जो मिली ये परमानेंट नुहे ये टेम्पररी ये क्षणस्थायी किंतु ये मानव जन्म को उपयोग करी आमे परमार्थ साधन करिबा भक्ति साधन करिबा आमे जन्म जन्मांतर को सार्थक करिबा ए जन्म रे सुखी होबा ताछड़ा पर जन्म रे एवं जन्म जन्म धरी आमर जीवन सुखमय हेब आ जीवन व्यर्थ हेब नाही। सेतिपाई महाराज भरत सब किछु को त्याग करी बणु को जाई तपस्या कले तांकर भक्ति बहुत उन्नत स्तर को पहुंची जाई थिला एवं भजन करू करू तांकर हृदय रे अष्ट सात्विक विकार उदय होतला तांकर नेत्र रो अश्रु प्रवाहित होतला भगवान कर नाम स्मरण करी एभले अनासक्त कठोर वैराग्य आचरण करत्या भरतंग जीवन रे जो विपत्ति आसी गला आमे श्रवण करथिले जे किपरी एक हरिण शावक प्रति से आसक्त हो गले एवं ए आसक्ति बढ़ी चलला एभले आसक्ति बढ़ी चलला दिन राति से हरिण शावकर चिंता आसिला एवं से समय रे तांकर दिन को दिन मृत्यु समय पाखे आसुथाए एवं एभले एक समय आसिला जो समय मृत्यु समय आ मृत्यु समय भगवान कर स्मरण हवा कथा किंतु से समय तांकर से हरिण शावकर चिंतन हला ये होची भगवत गीतार वाणी भगवान स्वयं कहते जम जम बापी स्मरण भाव त्यजति अंत कलेवरम तम तमेवती कौंतेय सदा तद भाव भाविता। मृत्यु समय रे जो प्रकार चिंतन आसीब जो प्रकार चेतना स्तर प्राप्त हब से ही आमर पर जन्म को निर्णय करिव तेणु भरत महाराज जेतु हरिण शावक प्रति आसक्त हो जाइले एवं हरिण चिंता करुले पर जन्म कौन है ना हरिण ही जन्म हेले सी आउ संसार मुक्त ही भगवत धाम को जापारे ना वैकुंठ प्राप्त हो पारे ना ना तांकर भजन रे सिद्धि प्राप्त करिपारे ना बरंग ए संसार आउ गोटे जन्म नेले जो कि हरिण छुआ जन्म हेले हरिण जन्म पाइले किंतु जेहेतु से भक्तिर एक उन्नत सोपान को पहुँची जाइले से भगवान कृपारु तांकर पूर्व जन्मर सबु कथा स्मरण थिला भगवान अत्यंत कृपामय तांकर भक्ति जे करते चा जीवन व्यर्थ हुए ना जदि भक्ति करू करू सी फेल भी हो जाती भक्ति पथर विच्युत भी हो जाती तेबी भी भगवान ताकू छाड़ती ना भगवान कृपा ताकू सब रक्षा करे ये हूँ भगवत भक्तिर महिमा भगवान भगवत गीतार कहते नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। जड़े अल्प किसी भक्ति करी यदि से भक्ति पथर विच्युत हो जाए बा दुर्भाग्य क्रमे यदि से भक्ति पथ को छाड़ी दिए तेबे भी तार जीवन व्यर्थ हुए ना भगवान ताको पुनर्बार तांक पाखकु आसियापाई भक्ति करियापाई पुनर्बार सुजग प्रदान करती ये भगवान कृपा आ भरत महाराज जीवन रे एभली हला से हरिण जन्म प्राप्त करी मध्य से पूर्व जन्मर समस्त स्मृति तांकर रहिला मन पड़ला से बड़ अनुताप करुथिले जे किपरी मोर तपस्या मोर भजन आसक्त हवा जगू मो जीवन व्यर्थ हो गला एबे कौन करी भी? से साधारण हरिण नथिले से हरिण जन्म पाई मध्य अन्य हरिण मान सहित जमी खेलकूद करवा बाल्य काल को आम नष्ट कर दूसे से भाई भाव से जीवन को नष्ट नक से पुनर्बार तपस्यारत हेले तांकर भूल बशत यद्यपि से भक्ति करथिले तथापि हरिण शावक प्रति आसक्त चित्त हेबा जोगु से पुणी हरिण जन्म प्राप्त हेले
हरिण जन्म प्राप्त हेले भी भगवान कृपारु तांकर पूर्व जन्मर समस्त कथा मन थिला। से अनुताप कले कले हाय मो जीवन को मु व्यर्थ कर देली, मो जीवन रा कौन लाभ, मो भगवान कर प्रभु कर भक्ति करू करू पुनर्बार संसार आसक्त हो गली। भगवान कर केते कृपा, से हरिण जन्म रे ही तपस्या करिया पई स्थिर कले, हरिण जन्म को से व्यर्थ हवा को देले नाही। जे भगवान कर भक्त जे चाहे संसार रो उद्धार पई भगवान को धाम को जाई वैकुंठ को जाई नित्य परमानंद धाम को जाई भगवान कर नाम रूप गुण लीला रे जे भजन रे मग्न हवा को चाहे से केवल ता जीवन को एमिति व्यर्थ करिवो नाही। आमे जीवन को जे प्रकार इंद्रिय सुख सेंस एंजॉयमेंट आमोद प्रमद विलासमय जीवन रे आम जीवन टाक व्यर्थ करुचंती, जो माने परमार्थिक जो माने भगवान कर भक्त से माने एभली भाव रे जीवन को व्यर्थ करंती नाही। से जीवन रे मूल्य बुझंती, भगवान को प्राप्त करिया पई जो सुजोग तंग जीवन रे आसे से सुजोग को से माने केवल व्यर्थ हवा को दियंती नाही। भरत महाराज कर एभली दृढ़ संकल्प तंको हरिण जन्म प्राप्त ही मध्य भगवत स्मृति हेला। से पुनर्बार जाए हिमालय रे से पुलह आश्रम रे जाए पुनर्बार सेठी हरिण जन्म रे भी वैराग्य आचरण कले, जीवन को व्यर्थ न करी से भजन रत हेले भगवान को स्मरण रत हेले। एवं एई हरिण जन्म पूर्ण ही हरिण जन्म किमिति समाप्त हो, हरिण जन्म किमिति देह पतन हो ताकु से अपेक्षा कर रहिले। एवं समय क्रमे तांकर ए हरिण जन्म शेष हो गला, तांकर मृत्यु आसी गला एवं से हरिण जन्म हरिण जन्म मृत्यु बरण कले। एवं ता पर जन्म भगवान को कृपारु एक महान भक्त ही जन्म हेले। एवं से जन्म रे प्रभु को चिंतन रे भगवान कर नाम रूप गुण लीला चिंतन रे मग्न हेले। से जन्म को किसे व्यर्थ हेबा को देले नाही। एवं खूब कम समय रे तांको भगवान कर भक्ति रे एभुले एक स्तर प्राप्त हे गेला। श्रीमद् भागवत रे कहा जाय छि वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम च जत अहितकम्। यदि भगवान के प्रति जने अनकंडीशनल भक्ति करे अहितु की भक्ति करे भक्ति योग रे पूर्ण रूप रे निमग्न हुए ता हृदय रे वास्तविक वैराग्य जात हुए निर्वेद जात हुए संसार प्रति वैराग्य जागृत हुए आउ ता हृदय रे अहितु की ज्ञान भी जागृत हुए जो ज्ञान द्वारा से जीवन को सार्थक करि पारिबो पूर्ण रूप रे चेतनशील ही रहे ये होची भक्तिर प्रभाव। तेणु जड़ भरत जन्म प्राप्त कले त्यांकर तृतीय जन्म एटा ए जड़ भरत जन्म रे पूर्ण रूप रे दिन राति प्रभुंक स्मरण रे मग्न रहिले। तांको ना जड़ भरत काहे कि कारण से ब्राह्मण कुल रे जन्म हेले एवं तांकर भाई माने तांकर पिता एवं तांकर समस्ते से चिंता कले गार्डियन माने जे ए पिलाटा तो बेकार ये तो किसी कथा कहूनी कौन से कार्य करूनि सब अन्य मनस्क रोची कारण संसार समस्त कार्य प्रति समस्त वस्तु प्रति से वितस्पृह हो जाते वैराग्य पूर्ण रूप जागृत हो जाते मनरे भय थिला
जे पुनर्बार मु संसार प्रति आसक्त न हो जाए आउ मो जन्म नष्ट हो जीव से कौन सी कार्य मन लगुन थाए केवल प्रभु को चिंतन रे दिन राति से मग्न ही थांती तांकु घरु तांकु तड़ी देले तांकु कौन सी प्रकार भाग मिला नहीं से कौन सी कार्य को फिट रहिले नहीं अवधूत जीवन जापन कले रास्ता रे एमिती हाँ घूरी बुलले कि तांकु पागल भावुथाय पागल भावी तांकु उपहास करंती तांक पर महिला आवर्जना फेंकी दिंती तांकर बहुत अपमान करंती कि जेते अपमान कले भी तांकु जहाँ किछ कहले भी तांक पर किछ प्रभाव पड़ुनथला कारण से दिन राति भगवान को चिंतन रहुथिले भगवान को जो माने परम भक्त तांकु मान अपमान बा तांकु कोनस प्रकार संसार रा बाधा तांकु केबेले भगवान कर स्मरण रु केबे विच्युत करि परिबो नाही अटल विश्वास पूर्ण रूप रे प्रभु को स्मरण रे मग्न एई बोल थिले जड़ भरत एई जड़ भरत को जीवन रे एभरी घटना अछि जो कि आमे स्मरण करिबा आमे श्रवण करिबा से भगवान कर केते बड़ भक्त थिले महाराज भरतंकर द्वितीय जन्म थिला हरिण जन्म एवं तृतीय जन्म हैला जड़ भरत जन्म आमे श्रवण कले जे जड़ भरत ही से किपरि समस्त कार्य प्रति उदासीन रही केवल भगवान कर स्मरण रे मग्न थिले दिन राति भजन रे मग्न थिले संसार कौन सी जिनस प्रभावित करि पार नथिला कौन जिनस प्रचेष्टा प्रति से आसक्त नथिले एक अवधूत जीवन जापन करुथिले ता जीवन रे एभली दुईटा घटना जो कि आमे श्रवण करिबा ए जड़ भरत जन्म रे थरे से राज्यर राजा रहुगण कौनसी ऋषि महर्षिंकर कथा श्रवण करिया पई उपदेश श्रवण करिया पई जाउथले किंतु तांकर पालिंग उठेया पई गोटी लोकर अभाव थिला सैनिक माने ए जड़त भरत को धरी नेले कले ए व्यक्ति पूरा हृष्ट पृष्ट मोटा सोटा है यही पालिंग बहन करी परिबो तो राजा तांको पालिंग बहन करिया निजुक्त करि देले कि जड़ भरत सीत अवधूत तांकर कौनसी प्रकार बाह्य ज्ञान नहीं जो समय से पालिंग धारण करुछंती बहन करुछंती से समय रे राजा कर पालिंग की टलमल होतला अनेक विघ्न होला राजा देखिले कौन करुछे लोकटी ना आज्ञा ए लोकटी जो नुआ लोकटी ये पागल टाइप रो लोक ये कौन करुछे ना ठीक से चालू नहीं जड़ भरत कौन करुथिले रास्तार यदि कौन सी पोक जक बा पिंपुड़ी चालू थाए ता ऊपर से ताकू ता ऊपर पाद को न रखी ताकू लंघन करी सतर्क सहित चालू थिले भूमि रे प्रत्येक पाद को से सतर्क ही देउथिले कौन से जीव को से अनिष्ट करिया को चाहू नथिले कारण पाद तले अनेक पोक जक पिंपुड़ी मरी जानती ताकू से ध्यान दे चालू थिले सेति पई ए पालिंग धारण रे महाराजंकर राजांकर रहुगणंकर विघ्न होतला तो राजा रहुगण अत्यंत क्रोधित हो गले से राजा कले मु दंड विधान करी तु जानिछु तो राजांकर पालिंग बहन करुछु एभली राजा तांकर राजकीय ठाणी जेतल तांकु शासन करिया को आरंभ कले जड़ भरत जे कि आज पर्यंत मुख खोली नांती से समय रे जड़ भरतंक हृदय रे राजा रहुगणंक प्रति दया भाव उदय हो गला एवं दया भाव उदय हेबारु राजा रहुगण को सेठी उपदेश देवा आरंभ कले एभली उपदेश देले के राजा ए संसार रे किए राजा किए प्रजा तुम कौ राजार अहंकार नहीं राजा हेच तुम जीवन वास्तव रे सार्थक हब
जदि भगवान कर महान भक्तंकर पद रेणु धार्मस्तक धारण करिवो तुम जीवन सार्थक हव। एइबळी राजांको राजा रहुगण को एइबळी दिव्य उपदेश मान देले जो उपदेश सुनी राजा अत्यंत विस्मित होगले एवं जानिगले ये जड़ भरत अवधूत बेसरे ये कोई साधारण व्यक्ति नुहे। एवं पालिंकरु ओल्हे आसी जड़ भरतंकर पाद पद्मरे बढ़ीगले तांकु क्षमा मांगिले। जड़ भरत राजा रहुगण को कृपा कले। एभली अन्य एक घटना अच्छी कि जड़ भरतंकर जीवन रे कि थरे केतलन दस्यु जड़ भरतंकु धरी नहीं गले। से दस्यु मानंकर जे दलपति से माँ कालिंग को पाखरे नर बलि देवा पई संकल्प करथिले किंतु तांकु गोटे उपयुक्त मनुष्य मिलू नथिला जाहाकु से बलि देबे। शेषर दस्यु मान देखिले एही व्यक्तिटी हृष्टपृष्ट होइछि सुस्थ सबल एकु ही बलि चढ़ाई देवा तुन जड़ भरतंकु नहीं माँ कालिंग पाखरे जितेबले बलि चढ़ाप प्रस्तुत हेले जड़ भरत संपूर्ण रूपे निश्चेष्ट कौन प्रकार चेष्टा करूना निजर रक्षा करने किंतु से समय जो बलि चढ़ाक आरंभ कले से समय से कालींकर मूर्ति विस्फोटित होगला फाटीगला एवं काली स्वयं से प्रकट हो गले अनुचर मैंने प्रकट हो गले समस्त दस्यु मानू से बध करदे। जड़ भरत माँ काली सम्मान कले कारण से प्रभुंकर भक्त आउ काली हेले भगवानकर कृष्णंकर तांकर शक्ति तो प्रभुंक भक्त उपर एभली अत्याचार को सी आउ सह्य करि पल्ले नाही तो जड़ भरत तांकर भक्ति द्वारा तांकर भजन द्वारा तांकर उन्नत शुद्ध भक्ति प्राप्त कले। तांकर जीवन रे जो प्रथमे से भूल करथिले अभिलाष आसक्ति आसी जाइला जदि आम भजन करू करू अन्य अभिलाष शून्य न होवा आसक्ति शून्य न होवा तेल कौन हम ना आमर भक्ति ही जीव कर्म मिश्रा भक्ति बा ज्ञान मिश्रा भक्ति ही जीव विद्या भक्ति ही जीव शुद्ध भक्ति हम ना तेणु भरत महाराज के जीवन रु आम यही शिक्षा लाभ करूचे जे आम भगवान भक्ति करवा ये संसार जहाँ कि अच्छे से था पछे कि प्रति अनासक्त चित्त ही जदि प्रभु चरण भक्ति हवा तेबे आम दिने शुद्ध भक्ति जाजन करिपारिबा एवं दिने पूर्ण रूप से आम भक्ति सिद्धि प्राप्त हो भगवत धाम भगवान कर सेवा प्राप्त हवा नित्य वैकुंठ धाम प्राप्त ही जीवन को धन्य करिबा। ये भरत महाराज चरित्र आम शिक्षा लाभ करुछु किपरि भरत महाराज निज जीवन को शोधन कले करेक्शन कले एवं पुनर्बार से जड़ भरत जीवन रे तांकर भक्तिर पूर्णता देखेछंती शेषर एत महान भक्त हेले एवं भगवान को प्राप्त कले। तो आम मैंने भाव रे निज जीवन रे यदि एभली भक्ति करू करू किसी भूल त्रुटि आम करती जड़े सद्गुरुंकर आनुगत्य रे ताकु मार्जना करी शोधन करी आम जदि शुद्ध भक्ति प्रथर अग्रसर हेबा अवश्य ही आम जीवन रे भक्तिर पूर्णता लाभ करि पारिबा भगवान प्राप्त करि पारिबा। तेणु आज मु भरतंकर जड़ भरतंकर चरित्र सहित मु मोर वक्तव्य को एठारे विराम दौछि। हरे कृष्ण।